चलो 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 धीरे धीरे चलो कोरा पकड़ के, खुल ना जाए पोल पत्ते बिखर के, कुत्ते 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 एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, पत्र ने कितने मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। बैल घर का एक्सीडेंट बाबू, तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है। ले कुत्ते की मौत मरेगा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। हेलो रख रख तेरी माँ की रख। ये साले ओ मेरा बाबू छेल छबीला, मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंग रंगीला, मैं तो ये तो सलवार कमीज पहना है। असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी दे देती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मारूंगा मुंह का तबेला बना लूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा, और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा। चमाइलो रे, उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। मैं आशिक नहीं, पोस्टमैन बन गया हूं। तेरा जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं। क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूं फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हां तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊं। ए एडिक, तेरे बाप की शादी है क्या रे? ओ बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ। उधर क्या देखता, इधर अम्मेट मेरे को जानता नहीं है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। साहब बहुत कड़क है क्या? ले दे के तोड़ पानी में पटेगा नहीं? अरे निपटा देना यार, सुबह VCR पहुंचाता हूं मैं। उनके घर में तो टीवी तक नहीं है। टीवी नहीं है? दूरदर्शन पकड़ता नहीं है क्या? दूर तक नहीं। क्या हो गया ये? पुराने लोग कितने अच्छे थे, ये नए लोगों ने पूरी अंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी यार। ये ईमानदारी की तो हद हो गई। तू तो ऐसे है ना? हाँ। आ गया बाप, मारेगा तूने ना? शादीशुदा हो? जी साहब। बीवी अच्छी शक्ल की नहीं है क्या? वो तो मैके गया है साहब। ओ बीवी मैके गई है और तुम क्यों, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? वो क्या है साहब, और मुझे बेहूदगी बर्दाश्त नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें गंदगी फैलाते हुए? साहब गंदगी नहीं साहब, बीमारी फैला रहे हैं साहब, बीमारी। साहब मुझे बोलने दीजिए साहब, आप शायद पता नहीं, आप कभी गए नहीं होंगे साहब, मैं बताता हूँ सर, ये लोग अपनी भोली भाली बीवियों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। पहले छोटी मोटी बीमारी होती थी, अब एड्स एड्स पैदा हुआ है। अबे घर में टीवी नहीं है क्या? शबान आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलती है एड्स से दूर रहो, एड्स से दूर रहो। पता है ये बीमारी कहां कहां फैली हुई है? अमेरिका में, अफ्रीका में, लेकिन मैं हिंदुस्तान में फैलने नहीं दूंगा, अपने इस पवित्र देश को अपवित्र होने नहीं दूंगा। पता है इसका नतीजा क्या होता है? मैं मना नहीं करता हूं, करिए आप, लेकिन एड्स का इलाज तो आने दीजिए, उसके बाद करिए। एक बात बता दो सर, सर मैं जानता हूं एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे सूख के काटा हो जाता है साहब, आदमी बर्बाद हो जाता है, सर से लेके पांव तक वो सड़ जाता है साहब, सड़ जाता है, कहीं का नहीं रहता है साहब। इस बीमारी से जितना बचो अच्छा है, मत करो अपने आप पर अन्याय, मत करो, मत फैलाओ इस बीमारी को। भगवान कहाँ जा रहे हो तुम? सर वही जा रहा हूं, मैं रोज आधा घंटा एक घंटा यही लेक्चर मैं हर कोठे पर देता हूं। मैं सोशल वर्कर हूं सर, सोशल वर्कर। गजरा पहनकर भाषण देते हो? नहीं 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 नहीं, इसके बगैर तो एंट्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए गेट पास। ज्यादा होशियारी दिखाते हो,
हवलदार। यस सर। इसके कपड़े उतार के सड़क पे छोड़ दो, बाकी सबको अंदर बंद कर दो। चलो सर, गड़बड़ हो जाएगा सर, अंदर कुछ भी नहीं है, अंडरवियर। चल चलो चलो चलो, धीरे धीरे चल, कोरा पकड़ के खुल ना जाए पोल, पत्ते बिखर के कुत्ते कुत्ते कुत्ते। एक पूरा मोहल्ला उठाएगा हरामजादे। भूल गया साले, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी आई थी, मैंने तेरे को बचाया था, और वो हड्डी जो गले में अटकी थी भूल गया, डॉक्टर को बुला के मैंने निकलवाई थी। कुत्ते देख लूंगा तेरे को साले। अरे बाप रे, ये कहां से आ गई, ये औरतें यहां जानती है, कहीं पहचान ली तो मेरी। चल 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 चल, कोना पकड़ ले, मुंह काला कर ले, मुंह काला कर, कोई नहीं पहचानने का। ये तो इधर ही आ रही है, पहचान लिया तो। अरे नहीं पहचानी, मुंह काला कर लिया ना, कोई नहीं पहचान, कोई पहचानेगा नहीं मुझे। टोनी, इसको क्या हुआ? अरे टोनी, तुम ये क्या? सिस्टर, आपने मेरे को पहचान लिया, आपकी नजर का जवाब नहीं है। यू आर ग्रेट। अरे पर तुम ये क्या हुलिया बनाया? ये जॉगिंग, जॉगिंग। जॉगिंग पर ऐसा गया था तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया, कपड़े पहन के गया था, लेकिन रास्ते में वो मिल गया ना, वो कौन है? तर्जन, तर्जन, तर्जन मिल गया तो? वो मेरे से कपड़े लेके गया और ये पत्ते का लफड़ा देके चला गया। अरे पर मैं उसमें तुम मुंह काई को काला किया हा? अरे सच्ची बात बताते हुए शर्माती है क्या? लल्ला पिछले महीने मैं भी वही पकड़ा गया था, उसी एसीपी ने मेरी भी हालत कर दी थी, जाके ना डोले। मैंने ये क्या बोलता है, अपना समझ में कुछ नहीं आया। मेरे को भी समझ में नहीं आया, लगता है काजू का फेनी मारा है, बुड्ढा पागल हो गया है, बेवड़ा है। हमको भी लगता है। आउच, कुछ करो मैं। बकरी, पूजा पे बैठिए, शगुन का समय निकला जा रहा है, मुझे और भी जगह पूजा पे जाना है। जी पंडित जी। टोनी, जरा पंडित जी का टाइम पास कर। ठीक है ठीक है। पंडित जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हम रमाकांत गड़गड़े के पास मिले थे। अच्छा। उनकी पूजा में आपने हवन किया था उनके गैरेज में। अरे कमाल कर दिया, अपने शुभ हाथों से जो हवन किया था आपने। अरे बाप रे, उनकी 25 फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ। तो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कहाँ, भगवान का बड़ा, आप तो बड़प्पन है जो भगवान का नाम ले रहे हैं आप। ये जो आपने हवन किया तो भगवान को मनवा के आपने। अपना हांडा, हांडा, हांडा के यहाँ जो पूजा किया आपने ढाबा में, पूजा किया आपने, हवन किया, उसके दूसरे दिन ही उसके नीचे एक हांडा मिला, हीरे मोतियों का हांडा। आज पता है कहाँ है वो हांडा? युगांडा। अच्छा? हाँ, वहाँ हीरो हांडा का बड़ा शोरूम बनाया है, वहाँ हवन के लिए बुलाएंगे आपको। है ना, बड़ी कृपा है महाराज आपकी। एक टोनी बहुत चालू है, उल्लू बनाता है पंडित को। मैं तो कहता हूँ प्रभु पंडित जी, आप ऐसी कृपा यहाँ कर दीजिए, ऐसा हवन कर दीजिए कि हमारे जो गुरु हैं इनके 25 गैरेज हो जाएं। भाई भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। अरे भगवान की तो कृपा है, पर पंडित जी क्या बात है, अरे आपके हाथों में तो शक्ति है, बड़े भाग्यवान है आप। ये देखिए पांच उंगलियां, ये पांच उंगली के बाद ये छठा जो बच्चा है, अरे रे रे रे, इसको जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ये छठवा है, जैसे क्रिकेट में सिक्सर बोलते हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं दर्दे सर। दर्द सर, इसके कारण कभी कभी आपके सर में दर्द भी होता होगा। पंडित जी कमाल है, देखिए पैर छू रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं। देखिए आप इतने ऊपर जाएंगे कि किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत भाग्यशाली हाथ है। और देखिए गुरु की गोद में शनि बैठा है, परेशान कर रहा था चला गया, पहले आपका शुक्र मलाड़ में था, गुरु वर्ली में था, और एक जो मंगल है वो जंगल में था। साहब जी आगे, साहब जी आगे। समझा? ले। बड़ा पाव देखो, पूरा काला तेल पाव हो गया। ना खुद खाता है, ना पीता है, ना औरों को खाने देता है, क्या है? चिल्ला मत, जाके दूसरी गाड़ी में देख पेट्रोल है कि नहीं, डिलीवरी देनी है। हाँ देखता हूँ। 7:11 का पाना देख, हेन का टका सो रहा है। चल
क्या हो गया है? मैकेनिक मैं कि तू है? पापा जी बात सुनिए क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो मरीज खुद बताता है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरे मुंह में दर्द है, मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे जुलाब हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं इसे क्या हो गया है? ओ यार ये चटके दे दे के बंद पड़ गई है यार, बंद पड़ गई। मिर्गी खोलो बोनट, खोलो जल्दी, खोलो बोनट, खोलो फौरन, खोलो जल्दी, खोलो। मुर्गी इंजन कहां है? मुर्गी तो मुर्गी है, इंजन किधर है? मैं भी हैरान हूं इंजन किधर है। अरे मैं तो परेशान हूँ कि गाड़ी यहाँ तक आई कैसे? मैं खुद चला के लेके आया इसे यार। आप खुद चला के लाए? हाँ जी। जरा याद कीजिए रास्ते में कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए आप? नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। अरे भाई ये बम्बई है, नजर जरा फिरी तुम इंजन गुल। अच्छा हाँ। ऐसा भी होता है? ऐसा होता ही है। ये गाड़ी किससे ली आपने? ये परसों ली है, विदेशी गाड़ी है, अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है। परसों ली है? अंग्रेज से ली है, इम्पोर्टेड है, विदेशी है। शर्मानी चाहिए हम लोगों को, विदेशी गाड़ियां खरीदते हैं, हमारे यहाँ गाड़ियां नहीं बनती है। देश दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है और हम लोग पीछे। इम्पोर्टेड गाड़ियां, शर्मानी चाहिए आपको, अंग्रेज से ली है। अरे भगत सिंह जी अंग्रेजों को भगाते फांसी पे चढ़ गए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा यही कहते आए हैं, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश ही सब कुछ है, देश के रहो, देश की खरीदो। मगर हम अंग्रेज पीछे रह गए। हम लोग जिसमें इंजन नहीं है वो इम्पोर्टेड गाड़ी है। अरे ये गाड़ी मेरी होती तो खंडेला घाट पे ले जाता, ढकेल देता ऐसी गाड़ी पर। अंग्रेज बने हुए हैं, इम्पोर्टेड गाड़ी। हट। ये मैं की कर बैठा, शर्म आनी चाहिए मैंने। तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं पूरी गाड़ी खोल जाऊंगा, गाड़ी खोल दूंगा। हैंडल ले आ, इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम मुझे नहीं मालूम है, विदेशी गाड़ी लेके आए। बोले मालूम है कहाँ इंजन, और फोड़ दे बगैर इंजन की गाड़ी, फोड़ दे। कंटा गया गैरेज से, इन गाड़ियों से पाना वाना फोड़ दे, गैरेज तोड़ दे, तोड़ इंजन दे दे, तोड़ दे, तोड़ दे। ओए हाँ, ये रहा इंजन। इंजन इंजन कहाँ से आ भाई? पापा जी एक मिनट देखो, इस गाड़ी का यहाँ है इंजन। बापरे भर गए पापा जी, जब पता ना हो कि कहाँ है इंजन, न खरीदो ऐसी गाड़ी प्यारे इंडियन। इसीलिए कहता हूँ बी इंडियन बाय इंडियन।